जय जिनेन्द्र, शरीर में सूजन क्यों आती है पहले हम इसके कारण जान लेते हैं। किसी के फेफड़ों में पानी भर जाता है तो भी सूजन आती है, किसी के पेट में पानी भर जाता है तो भी शरीर में सूजन आती है, किसी का लीवर खराब रहता है तो भी शरीर में सूजन आती है, किसी का किडनी खराब होती है तो भी शरीर में सूजन आती है, और किसी किसी का पाँव हाथी जैसा हो जाता है तो भी उनके शरीर में सूजन आ जाती है। जानते हैं घरेलू उपचार। एक बड़ा चम्मच करेले का जूस, करेले के जूस में एक चपटी भरकर राई का पाउडर मिला दीजिए और सुबह सुबह यह जूस आप पी लीजिए। 8 से 10 दिन पी लीजिए। आपको बार बार यूरिन आएगा और आप का जो पानी शरीर में भर गया है वो निकल जाएगा और आपकी सूजन कम हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। दूसरी एक मुद्रा है, जलोदर मुद्रा। मुद्रा किस तरह से लगाना है देख लीजिए। सबसे छोटी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना इस तरह से। शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेगी, इस तरह से लगाना है। अब ये जलोदर मुद्रा आपको कितनी देर लगाना है, पूरे दिन में आप आधा पौना घंटा लगा सकते हैं। आप जैसे ही मुद्रा लगाओगे आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा। आप एक साथ लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक साथ नहीं लगा सकते तो 15-15 मिनट भी आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। फर्क इतना पड़ेगा कि आप एक साथ लगाओगे तो आपको 1 महीने में बेनिफिट मिलेगा और 15-15 मिनट लगाओगे तो आपको 2 महीने में बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये घरेलू उपचार करेले का जूस में राई का पाउडर मिलाकर करिए और ये जलोदर मुद्रा लगाइए। इससे आपकी प्रॉब्लम, जो शरीर में पानी भर गया है, आपके शरीर में सूजन आती है, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो आप जिसे भी प्रॉब्लम है ये दोनों काम जरूर करें और अपनी प्रॉब्लम सोल्व करें, क्योंकि जिसे पता है, जिसके भी शरीर में सूजन आती है उन्हें पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।